और देख सकते हैं फोर्स कितना, पूरी जानकारी पहले पिछली वीडियो में भी दे दी है हमने कि कैसे कैसे करना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी बताए हैं, सारा कुछ बताया है। ये देखिए, ये इस समय ये मान के चलिए कि इंजन से भी ज़्यादा पानी दे रहा है, क्योंकि इंजन भी अगर नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, YouTube पर मेरा चैनल है जीएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से, तो इसके माध्यम से मैं सोलर से रिलेटेड, सोलर पंप से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूं, पूरी पूरी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, आज ये एक नई साइड और हमने चालू की है रोटोसोल 2HP सोलर वाटर पंप की, और ये ट्रॉली सिस्टम बना हुआ है इसका। ये देखिए, ट्रॉली सिस्टम इसलिए बना हुआ है कि हम इसको एक खेत से दूसरे खेत पर ले जा सकें, क्योंकि हमारे खेत एक से दूसरी जगह भी होते हैं, तो हम इसको, ये देखिए ट्रैक्टर के पीछे हम इसको बांधते हैं और आराम से इसको एक खेत से दूसरे खेत पर ले जाते हैं। तो मैं इसको आपको पूरी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेकिन किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अच्छी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी कोई भी समस्या हो हमें कमेंट करके बताएं, या हमने पिछली वीडियो में अपने मोबाइल नंबर ही बताए हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उसके माध्यम से हमें संपर्क करें, उसके बारे में पूरी जानकारी लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए, अब मैं आपको पूरा सिस्टम इसका दिखा देता हूं कि 2HP रोटोसोल सोलर वाटर पंप ट्रॉली सिस्टम कैसे होता है। ये देखिए, ये ट्रॉली सिस्टम बना हुआ है इसका। ये देखिए, ये 300-300 वाट के 6 पैनल हैं, ये लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं ये 300-300 वाट के 6 पैनल यहाँ पर लगे हुए। ये देखिए किस तरह से इसको लगाया हुआ है, देखिए ये इसमें क्या कर रखा है, कब्जा सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पर, ये इस वाली लाइन में देखिए आप। तो ये जो ये वाले जो पैनल हैं, ये वाले, ये हम इन दोनों को क्या करते हैं, होल्ड करके ये साइड में हो जाते हैं और ये नीचे की तरफ झुक जाते हैं, तो इसको हम ट्रैक्टर के पीछे आराम से कैरी कर लेते हैं एक खेत से दूसरे खेत पर। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, अगर ऐसा सिस्टम जिस किसान भाई ने बनवा लिया, तो जैसे घर में पावर की दिक्कत है या देख से खेत से दूसरे खेत पर लेकर जाना, तो आप आराम से लेकर जा सकते हैं। अब मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि इसका कंट्रोलर कहाँ लगा हुआ है और इसका फोर्स दिखाऊंगा, आज देखना कितना फोर्स है पानी का किसान भाइयों। देखिए, ये इसका कंट्रोलर लगा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कंट्रोलर है रोटोसोल 2HP सोलर वाटर पंप का, मैंने पहले भी कई बार दिखा। देखिए, ये इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले में पूरा परफॉर्मेंस आता है। ये देखिए वोल्ट आ रहे हैं 69 किलोवाट, 1.23 किलोवाट की पावर अभी यूज हो रही है इसके थ्रू, और रन होके आ रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ दिखाता है, पंप का पूरा परफॉर्मेंस इसमें आपको दिखाएगा डिस्प्ले में। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए 18 एम्पियर आ रहे हैं और 68 वोल्ट आ रहे हैं, 1.21 किलोवाट की पावर, 203.5 किलोवाट पर हावर रन होके। ये देखिए, इसका पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या होता है। देखिए 18.22 एम्पियर आ रहे हैं और 67.60 वोल्ट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो पूरा दिखा दिया है, देखिए ट्रॉली सिस्टम बना हुआ है, इसके ऊपर ये पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। पैनल का स्पेसिफिकेशन आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा पैनल है, ये इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ ली। देखिए 300 वाट के ज़्यादातर सब एक जैसे ही होते हैं पैनल, सबका स्पेसिफिकेशन एक जैसा होता है। ये रहा पूरा ट्रॉली सिस्टम इसका, ये देखिए, मैंने उधर से भी दिखाया था, इधर से भी। अब मैं देखो इसका फोर्स दिखाने जा रहा हूँ आपको, आप देखना कि हाँ कैसा फोर्स है, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। देखिए, ये वायर जा रहा है यहाँ से, ये कंट्रोलर से आया वायर, देखिए यहाँ से ये वायर आया कंट्रोलर से, ये अब ये पंप मोटर में हमारे जा रहा है, ये आया। देखिए, ये हमारा पंप लगा हुआ है रोटोसोल 2HP मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप। अब ध्यान से देखिए किसान भाइयों, इसका फोर्स कितना, मैं आपको फोर्स दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा। ये यहाँ पर बोरवेल लगा हुआ है, देखिए ये बोरवेल पे मोटर फिट है, ये देखिए, और अब आप देखिए इसका फोर्स, ये देखिए। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, इसका फोर्स कितना है पानी का 2HP रोटोसोल सोलर वाटर पंप। मेरा मानना है कि अभी तक की मैंने जितनी वीडियो डाली हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स इसी का है, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो डालता रहूँगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और देख सकते हैं फोर्स कितना, पूरी जानकारी पहले पिछली वीडियो में भी दे दी है हमने कि कैसे कैसे करना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी बताए हैं, सारा कुछ बताया है। ये देखिए, ये इस समय ये मान के चलिए कि इंजन से भी ज़्यादा पानी दे रहा है, क्योंकि इंजन भी अगर 3 इंच पानी देता है, अभी ये 2 इंच दे रहा है, लेकिन 2 इंच में इसका फोर्स देखिए कितना है,
इंजन 3 इंच देता है, ये हमारा पंपिंग सेट, उसका फोर्स इतना नहीं रहता है, देख सकते हैं आप। ये पूरा देखिए सिस्टम, पंप इधर चल रहा है, ये हमारा पूरा ट्रॉली सिस्टम रहा। और ये अभी देखिए मेंथे के खेत में पानी चल रहा है। और देखिए अभी हमने जहाँ पर ये चलाया है, ये हमारे अंकल जी हैं, देखिए इनसे आप पूछ सकते हैं, ये इसके मालिक हैं, ये देखिए इनके खेत में चल रहा है। और इनसे आप देखिए, मैं पूछता हूँ कितना क्या खुश हैं क्या नहीं, आप बताइए अंकल जी, आप खुश हैं इसके परफॉर्मेंस? खुश हैं। अच्छा, कैसा, अच्छा काम कर रहा है ना? काम बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं किसान भाइयों, हम तो चाहते हैं कि सभी किसान भाइयों को, जैसे कि हम फायदा उठा रहे हैं, हमारे और किसान भाई है, हमारे चाचा जी फायदा उठा रहे हैं, ऐसे ही सारे किसान भाई इसका फायदा उठाएं। तो आप देख सकते हैं परफॉर्म, और अभी तो दिन का किसान भाइयों, टाइम देखिए आप कितना हुआ, अभी 9 बजे हैं, और अभी तो देखना है ये 10, 11, 12 बजे 1 बजे कितना पानी देगा। मेरा मानना है कि ये जहाँ साइकिल खड़ी है उसके पास धार मारेगा 12 बजे। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस इसका। तो धन्यवाद किसान भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए। किसी की भी कोई समस्या हो, नंबर बता दिए पिछली वीडियो में हमने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और नंबर ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8368 53 39 70, और एक दूसरा अल्टरनेट नंबर है 87 450 35 617। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी दी जाएगी सोलर पंप के बारे में। आप देख लीजिए कैसा चल रहा है, कई बार दिखाया, पहले भी कई वीडियो बनाई है, वो रहा इसका पूरा पैनल कहाँ से आ रहा है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो दूरी होनी चाहिए वो दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए पैनल और मोटर के बीच में। जितनी दूरी कम होगी उतने अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहेगा। और मैंने पूरा बताया कि देखिए सब्सिडी से कैसे लगता है, और आप सेल्फ खर्चे से लगवाना चाहें तो कैसे लगता है। तो दोनों आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा खर्चा बताया है, सेल्फ से कितना खर्चा आता है और सब्सिडी से कितना खर्चा आता है, सब्सिडी से कैसे मिलता है, ब्लॉक के माध्यम से सब्सिडी से मिलता है, और सेल्फ से तो आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। किसी किसान भाई को ये लगवाना हो, कुछ भी करना हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और देख सकते हैं आप, धन्यवाद किसान भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए। कहना चाहूँगा बस कि इसी प्रकार से जो भी किसान भाई या कोई और अन्य भाई हमारा इस वीडियो को देखे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं, और ऐसे नहीं बता सकते तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपना बता दिया है, तो हमें कॉन्टैक्ट करके बताएं कि हाँ ये समस्या है हमारी। देखिए इसका फोर्स देखिए आप कितना अच्छा फोर्स है। मेरा मानना है कि रोटोसोल 2HP सोलर वाटर पंप से अच्छा फोर्स इतने कम पावर में, मात्र 1800 वाट पावर में, और इतना फोर्स देख सकते हैं आप, किसी और पंप का मेरा मानना है कि नहीं होगा। तो ठीक है किसान भाइयों, मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो डालता रहूँगा। पूरा पूरी जानकारी दे दी है मैंने इसके माध्यम से, ट्रॉली सिस्टम देखिए आज पूरा बताया मैंने कैसे कैसे होता है। कोई भी किसान भाई बनवा सकता है इसको, अगर कैसे घर भी लेकर जा सकता है, एक खेत से दूसरे खेत पर सब जगह आप चला सकते हैं। और कैसे बनवाना है कैसे नहीं, मैंने नंबर बता दिया है, हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे लगेगा ट्रॉली सिस्टम, कैसे बनेगा, क्या होता है। ठीक है किसान भाइयों, अब मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, धन्यवाद सभी का इसको देखने के लिए।